नमस्कार, मैं स्वाति, एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जबलपुर के नेपियर टाउन में लिटिल वर्ल्ड लर्निंग सेंटर का शुभारंभ हुआ। सीबीएसई के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के साथ लिटिल वर्ल्ड स्कूल के 30 साल पूरे करने के बाद प्रबंधन ने जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता समझी, जिससे श्रीमती अंजलि दुबे, एक सफल शिक्षाविद, ने लिटिल वर्ल्ड लर्निंग सेंटर की शुरुआत की, जिसका आज शुभारंभ प्रारंभिक वर्षों के कार्यक्रम के लिए कैम्ब्रिज सभ्यता के साथ लिटिल वर्ल्ड लर्निंग सेंटर नेपियर टाउन जबलपुर में प्रारंभ किया गया। श्रीमती अंजलि दुबे ने बताया कि लिटिल वर्ल्ड लर्निंग सेंटर का पहला सत्र 3 अप्रैल 2023 से प्रारंभ होगा। अपने पहले शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में प्ले ग्रुप अर्लियर 1, अर्लियर 2, अर्लियर 3 के साथ साथ ग्रेड 1 को प्रारंभ किया जा रहा है। मन, शरीर और आत्मा के विकास के उद्देश्य से इस सेंटर के अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे, सावधानीपूर्ण तैयार किए गए खिलौने, उपकरण एवं साज सज्जा ने पहले ही बच्चों और उनके अभिभावकों को आकर्षित कर लिया है। लर्निंग सेंटर को श्रीमती फातिमा आगरकर की अध्यक्षता वाली प्रतिष्ठित सलाहकार SCE की अकादमिक साझेदारी के साथ प्रारंभ किया गया है। उद्घाटन समारोह में मुंबई के प्रसिद्ध गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया, जिनमें डॉक्टर हार्वर्ड गी, प्रिंसिपल DSB इंटरनेशनल मुंबई, सुश्री मिकाएला वेंचुरा, प्राथमिक प्रमुख DSB इंटरनेशनल मुंबई, भाविन साहा, CEO एजुकेशन वर्ल्ड और मनीष दोषी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, अंकुर टंडन कैम्ब्रिज प्रतिनिधि दिल्ली प्रमुख रूप से उपस्थित थे। एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस जबलपुर से संभागीय ब्यूरो चीफ सम्यक एक्सप्रेस से राजकुमार यादव के साथ संवाददाता शिवानी बेन की रिपोर्ट। जी मैम, बताइए। हम लोगों का बड़ा स्कूल तिलवारा में है, हमारा एक छोटा स्कूल कटंगा में है। इस एरिया में हम लोगों का कोई स्कूल नहीं था। हम लोगों को बहुत डिमांड थी कि हम एक इंटरनेशनल स्कूल लेकर आए, और क्योंकि हमारी लेगेसी सबको पता है और उस लेगेसी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं एक इंटरनेशनल स्कूल करके उनके साथ। तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ नेपियर एक बहुत अच्छी लोकेशन है, ये काफ़ी सेंट्रल है, यहाँ काफ़ी अप्रोचेबल है बहुत सारी फैमिलीज के लिए, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए जो ज़्यादा दूर नहीं थे, उनको पेरेंट्स भेजना चाहते हैं, उसके लिए हमने सोचा कि हम यहाँ पे एक और ब्रांच स्टार्ट करते हैं। मैम, कौन सी क्लास तक रह गए यहाँ पे? जी ग्रेड 1 तक रह गए। हाँ, अभी ग्रेड 1 है। अभी ग्रेड 1 तक है, और फिर हम लोग उसको आगे धीरे धीरे हर साल 2-3 क्लासेस और पढ़ाते हैं। मैं अपना इंटरेक्शन देखिए, मैं गौरव गुप्ता। आप बच्चों को योग से और योगा से आप कैसे जोड़ते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और हर चीज़ में जब वो बस से एंटर होते हैं, जब वो अंदर आते हैं, पहले प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर हर जो हमारा टाइम टेबल होता है, इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हर सब्जेक्ट में हम 5 मिनट हमेशा डेडिकेट करते, फोकस करते, जहाँ वो माइंडफुलनेस जो बोलते हैं योग, उसकी तरह ध्यान दें। ये छोटे बच्चे हैं तो उनको सिखाना पड़ता है, उनको इंस्पायर करना है, उनको पाठ दिखाना पड़ता है, और ये हर लेसन में ध्यान होता है। वो जब स्कूल छोड़ के जाते तभी भी प्रार्थना की तरह प्रणाम करके थोड़ा शांति से म्यूजिक के साथ एग्जिट करते, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं जो बैलेंस होते हैं लाइफ में। हम ये देश में हमेशा भागते रहते हैं, तो हमें बच्चों, छोटे बच्चों को दिखाना है कि कैसे बैलेंस करें, कैसे अपने इमोशंस को ऐसे रखें कि खुशी बैलेंस और एक्टिव कैसे रखना, ये हम करते हैं। और योगा बहुत महत्वपूर्ण तरीका होता है प्री स्कूल में, जो प्ले वे कहते हैं हम, बहुत इम्पोर्टेंट है, और योगा तो उससे तो जुड़ जाता है। तो हर चीज़ में योगा, इनफैक्ट हमारे टीचर्स पहले योगा करते हैं स्कूल स्टार्ट करने के पहले, और फिर बच्चे आते हैं। तो हमारे लिए ये कुछ सब्जेक्ट नहीं है, ये हर चीज़ में हम करते हैं, चाहे इंडोर हो या आउटडोर। आपने तो देखा है सारे फैसिलिटीज प्लान है कि हम ये योगा, माइंडफुलनेस, योग को इम्बेड करें करिक्युलम। मतलब ये इस स्कूल में फिजिकली वर्क को ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा? ज़्यादा नहीं, बैलेंस के साथ, बराबर सब महत्वपूर्ण है। जैसे म्यूजिक है, म्यूजिक भी एक्चुअली योग है। यस, शांत करता है, एक्साइट भी करता है, एड्रेनलिन भी लाता है। yes. जैसे डांस होता है, एक्सप्रेशन है, स्पॉट, उससे बड़ा योग तो हो ही नहीं सकता। तो सारे सिस्टम्स बैलेंस में, हम बोलते हैं ना वो 50-50। मैम, अपना परिचय देंगे।
मेरा नाम फातिबा आगरकर है और मैं मुंबई से हूँ, फाउंडर ऑफ द आगरकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस।